हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो इन्फोसिस के रिलेटेड है। रिसेंटली इन्फोसिस ने एक नया पॉलिसी बनाया है और जैसे ये पॉलिसी मार्केट में आया, सभी को पता चला, तब से इन्फोसिस को काफ़ी हेट मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या है इस नए पॉलिसी में और हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइज, आपको तो आइडिया होगा ही कि नाउ अडेज आईटी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग है और डिमांड्स हैं। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी से अच्छा इंक्रीमेंट ऑफर आता है तो वो अपने करंट कंपनी को रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस सीम्स टू बी वेरी नॉर्मल फॉर एन एम्प्लॉय और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय को 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व ना होता है, जो कि एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एम्प्लॉय अपनी करंट कंपनी को छोड़ के नए कंपनी में ज्वाइन करता है, ठीक है। बट एज़ पर द इन्फोसिस, एम्प्लॉयर को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उनका ये कहना है कि कोई भी रिसोर्स वो जब हायर करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हायरिंग एफर्ट लगता है और कोई भी रिसोर्स जब नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है तो मिनिमम 1 मंथ तो उसको लैपटॉप असाइन करने में, उसका लोकेशन असाइन करने में, हायरिंग फॉर्मेलिटीज़ और प्रोजेक्ट का केटी प्रोजेक्ट समझने में ही निकल जाता है। इससे प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान होता है, एम्प्लॉयर को काफ़ी लॉस हो जाता है। इसी से बचने के लिए इन्फोसिस ने एक नया पॉलिसी बनाया है कि अगर आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हो और आप रिज़ाइन करते हो तो नेक्स्ट 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक आप किसी भी उनके कॉम्पिटिटिव कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, जैसे कि एक्सेंचर, TCS एंड ETC। तो एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी ठीक है, बट एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्फोसिस ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा भी यही ओपिनियन है कि इन्फोसिस को ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कॉमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमें भी राइट है हम अपना करियर चूज करें और हमें किस कंपनी को ज्वाइन करना है ये इन्फोसिस डिसाइड नहीं कर सकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट में बताओ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।